माहौल में टक्कर में तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं वाराणसी से लेकर तमाम जगहों पर देश भर में रैली में कि कोई नहीं है टक्कर में, आएगा तो मोदी ही, 2014 से आएंगी ज्यादा सीटें। कितना दम है इस दावे में? चर्चा के लिए शाहनवाज हुसैन ने आज मोर्चा संभाला है, राष्ट्र प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत। गौरव वल्लभ पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। शाहनवाज जी और गौरव जी के सामने हम सवालों की बौछार करें, इससे पहले जरा ये आपको तफसील से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि ब्रांड मोदी कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, जिंदगी जीने का ढंग है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार से हमारी सीटें ज्यादा होंगी, नंबर में नहीं देना जाता, रैलियों में भी दावे कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए फिर सवालों की बौछार। मोदी ये ब्रांड नहीं है, मोदी एक जिंदगी है जो खुद के लिए नहीं जिया है, मोदी औरों के लिए जितना जी सकता है जीने के लिए प्रयास करता है, और कैमरा के सामने भी नहीं, सामान्य जिंदगी में मैं वैसे ही जीता हूँ, और सामान्य मानवी में निरीक्षित विवेक होता है, वो कैमरा के दूसरी ओर भी देख पाता है, टीवी स्क्रीन के पीछे भी देख सकता है, और मुझे उसकी उस ताकत पर भरोसा है, और उस ताकत के आधार पर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज़्यादा सीटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे एनडीए के दल 2014 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले लोगों का मार्जिन बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस कम थी, अब उस क्षेत्रों में भी हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी। यानी एक प्रकार से जितने पैरामीटर से आप देखें, उन सभी पैरामीटर से तीसरी बात है, 2014 का चुनाव मतदान एक रिकॉर्ड माना जाता था, 2019 जबकि प्रो इनकम्बेंसी और मतदान का रिकॉर्ड, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तीसरी बात जो मीडिया मिस कर रहा है, अब उनकी मदद करने के लिए मिस कर रहा है या ईमानदारी से मिस कर रहा है, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ। 2014 का चुनाव, उसके नतीजे, कांग्रेस का उसके पूरे जीवन काल का सबसे कम सीटें जीतने का रिकॉर्ड 2014, और 2019 उनके पूरे जीवन काल में सबसे कम सीटें लड़ने का रिकॉर्ड। ये दो चीजें देश के सामने बार बार आनी चाहिए। कितनी सीटें आएंगी सर? मैं नंबर नहीं लगाता हूं क्योंकि देश इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, शायद मेरा सोचना ही कम पड़ जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी एकमत है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल के पुराने सर्वे रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, क्या एकमत है? वो एकमत इस बात पर है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। सर्वे वाले इस बात पर भी सहमत है कि बीजेपी और उसके एनडीए साथी ये सबसे ज्यादा सीटें लेकर के पार्लियामेंट में वापस आएंगे। यहां भी चर्चा इसी पर है कि एनडीए अपने साथियों के साथ 300 क्रॉस करेगा या 325 क्रॉस करेगा या 400 तक पहुंच जाएगा, कि इस चुनाव में कांग्रेस 44 का आंकड़ा पार करके 50 तक पहुंचेगी या 40 पर सिमट जाएगी। आज सभी एक मत होकर कह रहे हैं कि महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो लेकिन आएगा तो आएगा तो आएगा तो। ये नारा प्रधानमंत्री कन्नौज में लगवा रहे थे।
शाहनवाज हुसैन साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बड़ी बारीक सी लकीर होती है, किस तरफ हैं आप लोग अभी? ये आत्मविश्वास है और अति आत्मविश्वास कांग्रेस को है कि उनको ये लगता है कि हारने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको पता है कि हारना ही है, इसलिए सेल्फ गोल मारे जा रहे हैं। सुबह से शाम तक कई बार हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या थिंकिंग चल रही है। सुबह से शाम तक उनके नेताओं का बयान, रोज जितनी बार राहुल गांधी जी बोलते हैं उतनी सीटें घटती हैं, जितनी बार इनके प्रवक्ता बोलते हैं सीटें घटती हैं, जितनी बार इनके नेता बोलते हैं, तारीफ करते करते मौलाना अबुल कलाम आजाद की जगह मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लेते हैं। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस को अब जिन्ना के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अंजना जी आपने गंगा के तट पर काशी में इंटरव्यू किया है, और मैं कहता आपने तो खुद देखा है, और आप इतने दिन से सबसे प्रतिष्ठित एंकर के तौर पर जानी जाती हैं, तो आपने आत्मविश्वास उनका देखा है। और गंगा के तट पर आप जानते हैं वहां पर सच ही बोला जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने सच बताया है कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और ये सदा के लिए जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, सदा के लिए जाने वाले हैं। और पीएम ने कहा है 44 में सिमट जाएंगे। एक बात तो मैं मोदी साहब की दाद देता हूं कि शहनवाज भाई को भी कांग्रेस की तरफ लाके खड़ा कर दिया है, ये भी आजकल कांग्रेस की तारीफ करने लगे हैं, तो कांग्रेस की सोच करने लगे हैं। अच्छा, अभी बोले ना कि मेरे को लगता है कि ये क्यों बोलते हैं, इनके बोलने से सीटें कम हो जाती है, तो मुझे लगा कितनी हमारी चिंता करते हैं, ये मोदी जी का ही कमाल है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने अभी मोदी जी से पूछा, मैं तो मुरली मनोहर जोशी जी जो आपके संस्थापक है, मुरली मनोहर जोशी जी जो आपके संस्थापक है, वो तो मानते हो ना प्रभु? एकदम बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी तो 44-50 कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी से पूछा कि मोदी जी की कॉपी में कितने नंबर दोगे, बोले कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, बिना खाली कॉपी में कौन सा नंबर दूं। ये जोशी जी बोल रहे हैं, हम तो किसी का मूल्यांकन अंजना जी, आज सबसे मौलिक मुख्य समस्या क्या है देश में, आपको पता है क्या देश में एकमात्र समस्या है? कि आम कैसे खाया जाए, काट के खाएं, चूस के खाएं, रस बना के खाएं, क्योंकि मोदी जी तो आम खाने के तरीके बता रहे हैं, वॉश बेसिन के ऊपर चढ़ के खाएं, वॉश बेसिन के नीचे छुप के खाएं। अरे मोदी जी एक बार तो बोलते कि 4,70,00,000 लोगों की नौकरी क्यों गई 5 साल में, एक बार तो बोलते कि 14 साल का सबसे न्यूनतम कृषि विकास दर क्यों हुआ, एक बार तो बोलते कि 35 किसान रोज आत्महत्या आपके राज में, एक दिन में 35 किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, एक बार तो बोलते कि ये 72,500 करोड़ परिवारों को देने में आपका क्या हर्जा है, जब आप सबका साथ और 19 लोगों का विकास की बात करते हो, क्योंकि 3,50,00,000 करोड़ रुपए 19 लोगों के बैंकों के छोड़ दिए प्रधानमंत्री ने, हम 5 करोड़ लोगों को वो 3,50,00,000 करोड़ देना चाहते हैं, तो बोलते हैं पैसा कहां से आएगा। अरे प्रधानमंत्री जी विकास की तो बात करो, आप गुजरात मॉडल विकास 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 करते हुए 14 में आए थे, विकास कहीं मिल ही नहीं रहा, अभी पागल हुआ हुआ देश में घूम रहा है, एक जगह विकास नहीं मिल रहा। बात क्या करेंगे अंजना जी, बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे इमरान खान की, गाड़ी स्टार्टी ऐसी करी है, एक सेकंड, विकास की तो बात कर लो एक बार। अरे शाहनवाज जी देखिए, गौरव जी प्रोफेसर हैं और इसलिए जब भी प्रतिष्ठित कॉलेज से जुड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। इनके पार्टी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है, लेकिन इनके बारे में मेरी राय अलग है, और मैं मानता हूँ कि जब ये प्रोफेसर बोले तो हम स्टूडेंट की तरह सुन लेते हैं, लेकिन दुश्वारी ये है, कह रहे हैं कि आम कैसे खाएं। गौरव जी हाँ, आम मंत्री ने बताया, हाँ वही उन्होंने ये भी बताया। अपनी पटरी पर रखिए, अपनी गाड़ी अपने लेन में। मैं कहता हूँ आम भी हमें मिलेगा और गुठली भी हमें मिलेगी, आपको गुठली भी नहीं मिलने वाली इस बार, आप इस चक्कर में मत रहिए। और आप कह रहे हैं कि सीटों के बारे में एक गिनती, ये गुजरात में बोला था,
गुजरात में जो नारा था, हम बिहारी लोग उसको ठीक से बोल नहीं पाते, विकास पागल हो गया है? नहीं, उसको गुजराती में कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहे थे गुजराती में? भाई मैं तो गुजरात से ये नारा आते वो ही बोल रहे थे, विकास पागल हुआ हुआ घूम रहा है। ये गुजरात में ये नारा दिया था, आप सबको याद होगा, गुजरात में ये नारा दिया, विकास कहाँ मिल रहा है, एक हिस्सा पिटा नारा क्यों दे रहे हैं? अच्छा। फ्रेश जनता आई है, देश की जनता जानती है उसको, मोदी पर भरोसा है, इस देश के 132 करोड़ की फिक्र कर रहे हैं, और इस देश में मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं किसी में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन इस देश के लिए दिया है, इस देश के लिए वो जीते हैं और इस देश के लिए वो जिएंगे। और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी क्या एजेंडा लेकर आती है, आपने इतने साल से 70 साल हुकूमत करने वाली ये पार्टी आज हिसाब मांग रही, कह रही न्याय देंगे, आज तक न्याय नहीं दिया, आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर एक नारा लेकर चले आए, वो नारा जनता समझ गई कि आप धोखा देने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप सपने में भी नहीं हरा सकते, क्योंकि देश की जनता उनके साथ खड़ी है, ठीक है, इसमें कोई शक। आप लोग अपने सवाल भी पूछेगा, आप में से कितने लोग, एक बार जिप शॉट काटिए, एक बार जरा दिखाइए कि कितने लोग आप में से फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अपने हाथ उठाइए जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये देखिए एक बार जिप शॉट हम आपको काट के दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे लगता है पीछे की तो ये तीनों बेंचेस लगभग 3 या 4 रोज में ऐसे ही युवा दिख रहे हैं, इस तरफ भी दिख रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है। चलिए इससे ज्यादा नहीं पूछूंगी क्योंकि मतदान गुप्तदान होता है, लेकिन वो कह रहे हैं सर कि इस बार सिमट जाएंगे। विश्वास, विश्वास वर्सेस एक ऐसा ऑपोजिशन, एक ऐसे नेता जिन पर लोग भरोसा नहीं कर पा जी। मैं तो डाटा के साथ बात करता हूँ, मोदी स्कूल ऑफ थॉट से तो जुमलेबाजी असत्य सीख के आता नहीं हूँ। ये 2016-17 का आर्थिक सर्वे, ये मोदी जी का ही सर्वे है जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उसकी पहली लाइन लिखी हुई है, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है जब देश आजाद हुआ, जब 70% लोग गरीब थे, जो 2011-12 में 22% हुए। ये गरीब जनसंख्या 6 गुना बढ़ने के बावजूद गरीबी कम क्यों हुई? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने माना, यूएनओ ने माना, डब्ल्यूएचओ ने माना कि आजाद भारत में गरीबी उन्मूलन की सबसे कामयाब स्कीम मनरेगा थी, जिसका ये विरोध करते थे। अब ये न्याय का विरोध करते हैं, ये नहीं चाहते कि 5 करोड़ लोगों के परिवार में 72,000 रुपया प्रतिवर्ष चल जाए, ये नहीं चाहते कि 24 लाख सरकारी पद जो रिक्त पड़े उनको 1 साल में भर दिया जाए, नहीं चाहते कि 10 लाख पंचायतों में नए पदों का सृजन हो जाए, ये नहीं चाहते ये सिर्फ आपको आपको गुमराह करेंगे, आपको सिर्फ बात करेंगे। प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं अपने पास में, शराब, पाकिस्तान, अफीम, आईडी, लश्कर, न्यूज, ये प्रधानमंत्री है। एक बात विकास की नहीं करते, एक बार इन नौजवानों की तो कर लेते। अंजना जी आप इतने दिनों से चुनाव को देख रही हैं, प्रधानमंत्री ने एक बार अपने चुनावी भाषण में रोजगार की बात करी, एक बार स्मार्ट सिटी की बात करी, एक बार ये बात करी कि गंगा मैया की सफाई में मैं पूर्णतः असफल हुआ हूँ, एक बार ये बात करी, घाट ऑफ इंडिया स्टैंड अप हुआ, नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। ये बोलेंगे ज्यादा सीटें आएंगी कम, मैं बोलूंगा कम सीटें आएंगी ज्यादा, प्रॉब्लम ये हो रही है। नहीं नहीं उन्होंने बोला, तो बोल रहा मैं, बोल रही हूं उनको, उन्होंने बोला नहीं, चुप हो गया ना, क्यों बोल रहे हैं? आप टाइमर लगाइए, जिसको 40 सीट नहीं आनी वो इतना बोल रहा है, आज उसको 400 सीट आनी उसको 2 मिनट। वाराणसी से मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री अपने कैडर को कह रहे हैं, मैं इनको बता दूं देना, ये कह रहे थे और देंगे प्रधानमंत्री का। अब मैं कंटिन्यू बोलूंगा, प्रोग्राम ऐसा ही होगा। देखिए अगर मैं भी बिहारी आदमी हूं, बोलना आता है मुझे भी, तो मैं आपको बता दूं कि ये कह रहे थे कि सब झारखंड से आप ही के नीचे से आया हूं, अब मुझे सब आता है, बिहार को टैकल से टैकल करता है, मैं भी झारखंड। अरे बिहार को धमकी क्यों दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ गर्व से कहा मैं बिहारी हूं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या सच नहीं बोलोगे? सच इतना बोलेंगे, क्या खा के आए, खाली बोलते रहेंगे? ये क्या होता है? ये क्या होता है? सुबह से शाम तक कुछ भी बोल रहे हैं प्रोफेसर हो गए तो क्या हो रहा है? कैसे सुन रहे हैं जवाब में फंसा रहे? ये नहीं होता है, कार अपनी लेन पर रखिए, अब आप नहीं बोल पाएंगे, अब आप कंटिन्यू नहीं बोल पाएंगे मेरे। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि मैंने मर्यादा रखी, अंजना जी आप एक काम कीजिए, आप टाइमर दीजिए, इशारा करेंगे
मैं बोलूंगा, आप हाथ उठा देंगे मैं मोबाइल पे टाइमर लगाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछूंगी, लेकिन जल्दी से काउंटर दीजिए इस बात को। एक काउंटर मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे प्रभु, मोदी राहुल गांधी को लाके खड़ा कीजिए, वो नहीं खड़े हो पाएंगे मेरे सामने। नहीं ना राहुल गांधी को मेरे सामने, जब मैं पार्लियामेंट में था तो नहीं खड़े हो पाते। काउंटर क्या बात करोगे राहुल गांधी के बारे में, मोदी जी की बात करने लगे। मैं आपसे कह दूं, ये कह रहे हैं कि 70 साल में गरीबी घट गई, 70 साल में गरीबी घट गई। दुनिया के वो देश जो हमसे बाद में आजाद हुए, वो हमसे तेजी से डेवलप कंट्री हो गए। आप सत्ता मिली तो मलाई खाने में लग गए, तो घोटाला करने में लग गए। अगर आपने घोटाला ना किया होता आपकी देन है गरीबी, आपकी देन है बेरोजगारी। आपने इस देश में घोटाला किया, आपने सत्ता का उपयोग अपनी पार्टी के लिए किया, अपने लिए किया। अगर देश के गरीबों के लिए किया होता तो आज गरीबी रेखा के नीचे एक आदमी नहीं होता। आप अपनी कमी को स्वीकार कीजिए। यहाँ पर नारा दे रहे हैं 72,000, चलिए 72,000 करोड़, कुछ लोगों के सवाल लेते वाले 72,000 का नारा देंगे, कुछ युवाओं के सवाल लेते हैं। अगर विकास की बात चली रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी बनाई है, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है बता दीजिए। स्मार्ट सिटी जो बनाई है, पसंदीदा शहर कौन सा है बता दीजिए। स्मार्ट सिटी जो बनाई है, स्मार्ट सिटी पर पसंदीदा शहर कौन सा है, ऐसा स्मार्ट सिटी बन गया है। मेरा शहर भागलपुर है, स्मार्ट सिटी है। और मैं भागलपुर को ही कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि जहां आदमी रहता है उसी शहर को, ऐसे तो मुझे पूरा देश पसंद है। तो इतना हिचकिचा के क्यों बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोलिए। नहीं डंके, उन्होंने मेरे से पूछा कौन सा शहर पसंद है, मैंने कहा भागलपुर पसंद है। अरे एक सेकंड, जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं। सिटी है भागलपुर, नहीं पता है क्या, बोलिए। मैं गूगल कर लो। मैं जानना चाहता हूँ बिना देश में जो अब तक जो जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची थी वहाँ बिजली पहुंचाई गई, जिन लोगों के घरों में शौचालय यानी कि इज्जत घर नहीं था उनके यहाँ इज्जत घर पहुंचाया गया, ठीक है, और सड़कें हर जगह जोड़ दी गई है, तो क्या ये विकास नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो ऐसा जी को क्यों देख रहे हैं, सवाल आप इनसे पूछ रहे ना। अरे विकास, विकास जो कर रहा है उनके तरफ से समझ लीजिए, या गौरव जी के लिए सवाल समझ लीजिए। नहीं विकास इन्होंने किया है, बाकी वो सर झुकाए बैठे हैं मेरी तरफ देखते तो मैं समझ में आता। मैं तो आपका सवाल लिख रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जवाब दे आप अभी क्या, 2-3 सवाल और लोग पूछेंगे तो एक साथ जवाब दूंगा, इसलिए सवाल लिख रहा हूं। नहीं पहले इसका जवाब, नाराज क्यों हो रहे हो? इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी मेरे बड़े भाई ने, आप बड़े नहीं छोटे हैं बेचारे। फिर आप भी अंजना जी, इनको ये मंत्री रहे हुए आदमी है, थोड़ा तो देखो, आप कैबिनेट मंत्री रहे हुए हो, जनता देख। मैं राहुल गांधी की तरह हरकत थोड़ी कर रहा हूँ, इमेज का ध्यान। मैं राहुल गांधी की तरह थोड़ी पप्पू की तरह हरकत कर रहा हूँ। ये लो जैसा बोलोगे वैसा जवाब देंगे। मैं तो राहुल गांधी की तरह हरकत कर रहा हूँ क्या? अगर आपको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ क्या? अब भाई मेरा सवाल का जवाब सुनना है तो मैं दूंगा। जैसा जवाब वैसा सवाल वैसा जवाब नहीं कर सकते। आप बड़े भाई ने इलेक्ट्रिफिकेशन की, विद्युतीकरण की बात करी, 6,18,000 गांव है भाई, 2014 से पहले 6,00,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी थी, ये मात्र 4 साल में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। प्रति वर्ष कांग्रेस सरकार में 18,000 इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, जो आज 4,000 है मोदी सरकार में, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। फिर आपने उज्ज्वला की बात करी भाई, उज्ज्वला में जितने गैस कनेक्शन दिए गए 85% का सेकेंड रिफिल नहीं हुआ, ये ऑयल मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। मैं विकास के बारे में चर्चा करने को तैयार हूं और नौकरी के बारे में भी बताता हूं, ये 4,70,00,000 नौकरियां क्यों गई आपको पता है? जी एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप चर्चा के लिए तैयार हैं। जी जी, ये जो इतने दशकों के बाद भी आप ये बताते रहते हैं देश को कि हम 6,00,000 गांव में बिजली पहुंचा चुके थे, इतने सारे गांवों तक बिजली क्यों नहीं पहुंची थी? क्या ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि महिलाओं को एक सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए सर, कि महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं थे, ऐसे इंतजाम हिंदुस्तान में, दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं राजधानी, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी शर्मनाक स्थिति थी, और आप इस पर भी अब डंका चोट कर रहे हैं। डंका चोट नहीं मैम, आप जब दो सरकारों के काम का मूल्यांकन करते हैं तो आपने प्रतिवर्ष उस सरकार ने क्या किया और मोदी जी की जुमला सरकार ने क्या किया, 18,000 गांव में प्रतिवर्ष UPA 1 और 2 में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है जो मोदी जी ने। शौचालय पे बताइए, शौचालय पे भी, उज्ज्वला पे भी बताऊंगा, शौचालय और ये उज्ज्वला की हकीकत है, उज्ज्वला की हकीकत 85
80% जो गैस के कनेक्शन है उसमें नहीं है। दूसरी बात, शौचालय मैं बताता हूँ अंजना जी, इनके पास तो ऐसी मशीन है, बिहार में एक आप ही के चैनल ने रिपोर्ट दिखाई थी, बिहार में 9 सेकंड में एक शौचालय बना दिया, और ऐसे ऐसे शौचालय आप जाके देखिए, एक सर्वे करिए, बिहार भी करिए, झारखंड भी करिए, अगर शौचालय बने हैं तो जाके देखिए आप खुद वहाँ उस प्रदेश से पूरा आपका शौचालय भी बता रहा हूँ। आज आज जितने शौचालय है, डेटा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ अंजना जी। 46% शौचालय अनयूजेबल है, अनयूजेबल 46% जितनी तेजी से शौचालय बने इसके बारे में अप्रिशिएट करना चाहिए। आप आलोचना कीजिए, लेकिन जो गरीबों के घर में शौचालय बने उसको अगर वो काम हुआ, आप आलोचना में इस हद तक जाएंगे। 30 सेकंड का सवाल होता है, 30 मिनट का जवाब देने लगते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि इस देश में अगर गरीबों के लिए काम हुआ, 18,000 गाँव में बिजली क्यों नहीं पहुँचाई, ये आपको जवाब देना चाहिए। आपने कहा इतने गाँव में पहुँचा दी, आप जब हुकूमत में आए थोड़ा भ्रष्टाचार कम करते, माल कमाने में मलाई खाने में कम रहते तो ज्यादा जगह काम होता, आपने क्यों नहीं किया ये बताइए देश को। गौरव जी, मैं बिहार से हूँ, बिहार में 2014 से पहले जो भी चुनाव होता था, सड़क, पानी, बिजली, यह बाहित पहला चुनाव है कि मेरी 90 वर्षीय माँ गांव से फोन करती है, बेटा घर घर में नल का टोटी आ गया, पानी को हैंडपंप नहीं चलाना पड़ता, वोट मोदी को देना। अब मेरी माता जी को समझाइए, वोट मोदी को क्यों नहीं दूं। दरभंगा जिला में बरियोल मेरा गांव है, कहां कहां दरभंगा में, दरभंगा में बरियोल मेरा गांव है, मब्बी के नीचे। एक सेकंड, इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। राहुल गांधी से हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने एक्चुअली कुछ आप ही के अध्यक्ष की बात सुना रही हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा सुना लेते हैं, फिर इसका जवाब और उस पर प्रतिक्रिया एक साथ जल्दी से सुना देते हैं। राहुल, इंडिया टुडे ने इंटरव्यू किया था, तुम बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कांग्रेस का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था। बेरोजगारी, बेरोजगारी का सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, देश का सवाल है, और देश के सामने सबसे बड़ी ये समस्या है बेरोजगारी की, और नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे। चलिए इस पर भी जवाब दीजिए, दरभंगा वाले सवाल पर भी जवाब दीजिए, और ये भी बताइए कि राहुल गांधी इंटरव्यू देंगे क्या ऐसे हम लोग। अंजना जी, सबसे पहले बेरोजगारी की बात करता हूँ, आज 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, और 45 साल इसलिए क्योंकि 45 साल से ही हम बेरोजगारी का आंकड़ा जुटा रहे हैं। अगर पहले जुटाते तो ये 500 साल की सबसे बड़ी होती। क्यों हुई 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्यों 4,70,00,000 लोगों की नौकरी गई, क्योंकि नोटबंदी का स्कैम किया इन लोगों ने। नोटबंदी के स्कैम के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 70% एमएसएमई सेक्टर का प्रॉफिट कम हुआ, 40% एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की कमी हुई। जब आप एमएसएमई का स्कैम, नोटबंदी का स्कैम करोगे, गब्बर सिंह टैक्स रातों रात लेके आओगे तो जॉब्स तो जाएगी। सेकंड बात, जो मेरे भाई ने बात की, नल दरभंगा की भी बात कर रहा हूं। मेरे भाई, एक चीज आपको पता है, विकास का जो भी मॉडल होता है ऐसा तो है नहीं कि नल सीधा ऊपर से स्वर्ग से सीधा नल लगता है टक और लग जाता है, पहले लाइनें बिछती है। किसने काम किया होगा, आप किस तरह आप आ रहे हो, किसने काम किया होगा देश में हजारों साल, ये बिजली आ रही है, किसने काम किया होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि सारी चीजें 2014 से पहले देश में कुछ नहीं था, हम सांस भी नहीं ले रहे थे, आप क्या ये कहना चाहते हो, क्यों बरगला रहे हो देश को। तीसरी बात, दिक्कत ये है कि गौरव जी प्रोफेसर हैं, ये कह रहे हैं, इनको मालूम हो कि कांग्रेस कितने साल से हुकूमत में नहीं है बिहार में। अगर कह रहे हैं कि पाइप हमने 25 साल पहले आप गए, आप 25 साल पहले पाइप बिछा के गए थे, आप कितने साल से हैं दादा, हम तो हैं, इनको तो पता ही नहीं चलता, कभी रहते हैं फिर बाहर हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। ये ने खराब जो है लाइन इन्होंने बिछाई थी, टक से हो गया दादा। अरे भाई, टक से नहीं हुआ, पाइप लाइन भी हमने बिछाई, नल भी हमने दिया, जल भी हमने दिया। आपने तो लालू यादव जी की लालटेन पकड़ ली है, आप तो उनके साथ घूम रहे हैं, हम बिजली लगा रहे हैं, ये लालटेन पकड़ के घूम रहे हैं दिन में। शहनवाज जी से है कि जब भी कोई बीजेपी की उपलब्धियां पूछता है तो आप कांग्रेस की असफलताएं क्यों गिनाने लगते हैं। नहीं, हम नहीं गिनाते, हम तो उपलब्धि बता रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को बता दे, अंजना जी उपलब्धि बता देता हूँ,
8 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला में गैस दिया है, हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, हमने पूरे देश में सड़क जोड़ा है, हमने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाया है, हमने इस देश को दुनिया की छठी इकोनॉमिक ताकत बनाया है, हमने इस देश का स्वाभिमान ऊंचा किया है, हमने बगल में गिदर भपकी देने वाले पाकिस्तान का नाक जमीन पर रगड़ के दिखाया है, हम हर मोर्चे पर सफल हुए, हमारी उपलब्धि तो जनता के जबान पर है। अगला सवाल जल्दी से। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जैसा कि सबको पता है आपका पीएम कैंडिडेट तक डिसाइडेड नहीं है, आपको भी पता है जी, आपके शो में 3 बार मैं बता चुका हूँ, आप ही ने कौन कौन नाम, मैं तो बार बार पूछती हूँ, एक बार अब इस बच्चे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मेरी क्या गलती है, बड़ा आनंद आता है, एक बार वापस आप ही पूछिए सवाल पूरा, आप पूछिए फिर से पूछो, मेरे से पूछिए क्या आप गौरव वल्लभ जी, जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राहुल गांधी को आप देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना रहे हैं 20 मई को, अंजना जी मैं आपसे वादा करता हूँ, अच्छा? आपको मैं फोन करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा और शपथ ग्रहण का न्योता दूंगा राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में, और मेरा वादा है आपका फर्स्ट रो में चेयर की व्यवस्था कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, अंजना जी ये सपना दिखा रहे हैं आपको, कभी फर्स्ट रो नहीं देने वाले, मेरा वादा है मोदी जी, मोदी जी शपथ लेंगे 20 मई को प्रधानमंत्री की, अंजना ओम कश्यप जी के लिए फर्स्ट रो में चेयर होगी, रिकॉर्ड करके रख लो, स्टूडियो पे ऐलान करके जाता हूँ, रिकॉर्ड कर लो इसको, रिकॉर्ड कितने लोगों को गौरव वल्लभ की बात पर यकीन है, जिप शॉट काटिए, जिप शॉट काटिए, जिप शॉट काटिए, कितने लोगों को गौरव वल्लभ की बात पर, और शपथ ग्रहण के दिन राहुल गांधी 10वें रो में होंगे, गौरव वल्लभ जी की बात पर कितने लोगों को यकीन है जरा हाथ उठाइए, 2 आदमी हैं इनके, 2 आप लोगों को यकीन है गौरव वल्लभ जी की बात पे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, अच्छा 4 हाथ इधर उठे हैं गौरव जी, इस तरफ, मैम एक चीज हम बताएं आपको, गौरव जी देखिए विश्वास का ही खेल हो रहा है, देश की जनता बैठी है, गौरव जी सब विश्वास का ही खेल, यकीन नहीं है, मैं जवाब दूं, आप मुझे अनुमति देंगी जवाब देने का, कैन आई रिस्पॉन्ड टू यू, मेरे तो इस तरफ वाले जो इनको विश्वास नहीं है इनसे भी इतना ही प्रेम है, मेरे लिए ये नहीं है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ये देशद्रोही है, मैं तो उसके लिए वोट चाहिए, हंस रहा है लॉफ्टर पे, आपकी बात पे ये आदमी कितना हंस रहा है, देखिए आपकी समस्या में हो, मुझे ये अच्छे से आपकी बात में देखिए कितना हंसता है ये आदमी, देखिए ये भी पता है, एक सेकंड बहुत सारे सवालों के लिए हाथ उठे, एक बहुत सारे सवालों के लिए हाथ उठ रहे हैं, ये जो विश्वास है शाहनवाज हुसैन साहब इसके पीछे की वजह बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए एक बहुत मजबूत गठबंधन आपके खिलाफ हुआ है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में आपके घटने का अर्थ होगा और बाकी तमाम गुजरात राजस्थान सब जगह आप पीक पर थे, सारी सीटें थी, अगर 2-2, 4-4 भी घट जाती है इनकम्बेंसी की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूर्ण बहुमत 300 को क्रॉस, पीक पे थे पीक पे रहेंगे, ये नीचे थे ये नीचे रहेंगे, क्योंकि जनता में हमने जो बोला उस पर हमने काम किया है, उत्तर प्रदेश के बारे में अंजना जी जब पिछली बार भी पार्टी के प्रवक्ता थे और आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा कि हम लोग मिशन 272 प्लस, आप भी मुस्कुराई थी कि जो बीजेपी कभी 181 नहीं जीत पाई 272 बोल रही है, हमने मांगा 272, जनता ने दिया 283, तो ये जनता है जो जिसको प्यार करती है उसको अपार देती है, इस बार 56 बहुमत मिलेगा, हमको विश्वास अपने काम पर, हमें विश्वास अपने नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर, और हमने जो काम किया है इस देश में, अब जमाना बदल गया, अब अंजना जी हर किसी, पहले क्या होता था, हम जब 2004 में चुनाव हारे तब लोगों ने कहा कि हम अपनी बात, अटल जी की सरकार अच्छी थी और हम हार गए तो लोगों ने कहा क्या हुआ, हम लोगों को लगा हमारी बात नीचे तक नहीं पहुंच पाई, अखबार के जरिए एड होता था, अब मोदी जी बोलेंगे बनारस के तट पर आप अंजना ओम कश्यप से बात करेंगे और गांव में देहात में नदी के तट पर बैठकर लोग उसको देखेंगे लाइव, ये है, अब बीच वाला कोई नहीं है, किसी का जरिया नहीं है, जो बोलेंगे सब जाता है, और मोबाइल गांव-गांव में है, मोदी जी की हर स्पीच लोग सुनते हैं, पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा तो हमारे नेता जो बोलते हैं वो पहुंच जाता है, पूरा कैंपेन अगर देखिए गौरव वल्लभ जी तो इस तरफ है मैं भी चौकीदार, मोदी है तो मुमकिन है,
और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, जिसमें वो कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। इधर आप लोग राहुल जी का नाम ही नहीं लेते हैं, चौकीदार के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो कैसे भरोसा आएगा? आप किस भरोसे पर मुझे इनविटेशन दे रहे हैं फ्रंट रो के लिए? इसीलिए इनविटेशन दे रहा हूं क्योंकि भारत की जनता ने आज तक सकारात्मक मुद्दों को वोट दिया है। हम जनता के पास सामने सकारात्मकता से जा रहे हैं। हम चौकीदार के खिलाफ नारा लगाना कैसे सकारात्मक है? मैं पूरे, सुनिए, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं चार राज्यों में लगातार शोज करती रही। एक तरफ से नारा आता था मोदी मोदी और दूसरी तरफ से चौकीदार चोर है का नारा। ये नेगेटिव नारा नहीं है तो क्या है? आप राहुल राहुल चिल्लाइए अगर राहुल पर भरोसा जीतना है। ये तो जनता है, मैं क्या करूं? जनता कह रही है आपके नेता ही नारा लगवाते हैं, मैं क्या करूं? आपके नेता नारा लगवाते हैं। चौकीदार दामदार हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती? जब हम जेपीसी की बात करते हैं, अगर मैं राहुल गांधी जी पे, राहुल गांधी जी हर बार सकारात्मक मुद्दे लेके जाते हैं, न्याय का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लेके जाते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण का मुद्दा लेके जाते हैं, देश के विकास का मुद्दा लेके जाते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति क्या मुद्दा लेके जाता है कि मैं ही मैं हूं, यहां से मेरे बांह काट दिया, आधी बांह का बना दिया, आम मैं ऐसे खाता हूं। अरे भैया, आम तो हम खा लेंगे। फिर मोदी का मजाक, फिर मोदी का मजाक, राहुल गांधी पे दो लाइन के आगे बोली नहीं पाते। न्याय की बात करते हैं ना, राहुल गांधी जी कहते हैं ठीक है, 5 करोड़ परिवारों को 72,000 प्रतिवर्ष कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, हम उसकी बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि भारत में बेरोजगारी कैसे हटाई जाए, हम उसकी बात करते हैं कि जो 70% शौचालय आज के समय जो इन्होंने बनाए, जिसका उपयोग नहीं हो सकता, उसका उपयोग कैसे चालू हो, उसकी बात करते हैं। हम उसकी बात करते हैं कि स्कीम है, इसको पूरा कैसे किया जाए, हम सकारात्मक मुद्दों की बात करते हैं। ये हमारे जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। कहा आपने, कहा नेगेटिव कैंपेन क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं नेगेटिव कैंपेन, आप राहुल जी की तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। आपने तो सिर्फ कमाई है, मैं जवाब का जवाब नहीं मिला। आप राहुल जी की तारीफ नहीं की, फिर भी मोदी जी की निंदा, सिर्फ मोदी जी की निंदा। अगला सवाल, अगला सवाल, 70 करोड़ लोगों की नौकरी क्यों गई? गौरव जी, गौरव जी देखिए, तो सीरियस चीज एक बता रहा हूँ मैं आपको, आप गूगल कर लीजिएगा। न्याय जैसी स्कीम एक वेनेजुएला जैसी कंट्री, आपने सुना होगा, वहाँ अप्लाई हुई थी और उस देश का क्या हाल है? तो आप क्या इस भारत देश को इस स्थिति में लाना चाहते हैं? क्या न्याय यहाँ पर चल पाएगा? इतना पैसा। आपने टेक्निकल सवाल पूछा, न्याय, टेक्निकल उत्तर दूंगा। न्याय के लिए प्रतिवर्ष 3,60,000 करोड़ रुपया चाहिए और भारत की जीडीपी 220 लाख करोड़ की है, तो 220 लाख करोड़ की जीडीपी, 3.5 लाख करोड़ हम हमारे गरीब लोगों को नहीं दे सकते। गौरव जी सुनते रहो, किसी को और कभी सुन लो यार, जवाब देते हैं तो जवाब देने दीजिए, बीच में मत रोकने वाले हैं, बीच में मत रोकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, ये ना। अरे पहले भी 50 साल सरकार रहली, आपकी मेहनत तो विकास की बात कभी करी नहीं आपने। किसान को आप जानते नहीं क्या किसान होता है? आज राहुल किसान कर रहा है, कहां से देगा वे पैसे? ये तो बताए, सोच तो बताए पैसे का, डेवलपमेंट सारा ठीक है भाई, भाई साहब सोर्स वही होगा जिस सोर्स से मोदी जी ने 15 लोगों के 3.5 लाख करोड़ माफ किए ना, उसी सोर्स से 5 करोड़ परिवारों को 70,000 रुपए देंगे। सोर्स वही होगा जब 1 लाख करोड़ मझला मोदी, छोटा मोदी लेके भाग गया ना, वही सोर्स से पैसा गरीब लोगों को दिया जाएगा, छोटे मोदी और मझले मोदी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, स्कीम होता है, स्कैम लाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ 70 साल से कांग्रेस ने क्या करा है? 70 साल से कांग्रेस ने ये करा है, सवाल पूछे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता है? नहीं, कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, जो मैं भी एक गांव से, मैं भी किसान का बेटा, सवाल पूछे ना उनसे, पूछे कि आपने 5 साल में क्या? 5 साल में भाई ने 5 साल में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये करा है कि जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना। क्यों मैं आप बताते, 70 साल में, 70 साल में आज देखो गांव-गांव में, मैं बोल रही हूँ आपको, सवाल पूछे, सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं, सोच लीजिए सवाल याद आया, चले पूछे, सवाल पूछेगा। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ भाई से, कि 5 साल के अंदर आप काला धन, हमें काला धन आपने बोला था वो हमें चाहिए, इन काला धन तो आ गया राम मंदिर से, वो भी झूठ बोला, रोजगार वो भी ठीक है, पर जो हमारे 44 शहीद हुए थे ना, जो हर देश 13 तारीख को दो दिन भूल नहीं पाएगी, वो दिन भूल नहीं पाएगी, वो जो शहीद हुए थे उसके कहना हम सरकार को दोबारा रिपीट करें, कैसे वोट दे बताओ आप? ठीक है, देखिए आपका बहुत बढ़िया सवाल है, जो 44 शहीद सोच के बोले याद करके, लेकिन अच्छा भूलेंगे नहीं, और उसके बदले में ऐसा पाकिस्तान को सबक सिखाया कि पाकिस्तान पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। 44 के बदले क्या जवाब दिया जाता है, वो जवाब भारत की वायुसेना ने देकर इस देश को तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। अगला सवाल,
आई एम अ फर्स्ट टाइम वोटर और मैं अपना अगर भविष्य देखती हूँ किसी गवर्नमेंट के लिए तो मुझे दिखता है शिक्षा और सिर्फ रोजगार. तो 72,000 सालाना देने से ऐसे देने से आई डोंट थिंक सो कोई फायदा हो रहा है. बट आप शिक्षा और रोजगार के लिए भी तो कुछ बोलिए. मैंने तो सुना ही नहीं अभी कांग्रेस से कुछ ऐसा बोला है. बिल्कुल आपने मैं इनका देखिए आप इनको बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं बोले. कोई मेरी छोटी बहन मानता हूँ उसको क्योंकि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं. मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ. मैं जवाब दूँ बहुत छोटी रोजगार पर ये भी पूछ रहे हैं कि आप भी कुछ बताइए. बहन ये हमारा मैनिफेस्टो है इसमें ये लिखा हुआ है शिक्षा पे कि शिक्षा का बजट 6% ऑफ जीडीपी जो आज 1.5% है ना वो 6% ऑफ जीडीपी करेंगे. बहन ये पढ़िएगा जरूर. शिक्षा पे भी बात करी हम सकारात्मक बात करते हैं और आपने पाकिस्तान की बात करी 62 में 65 में 71 में हमारी सेनाएं लाहौर तक पाकिस्तान की बात कहां की बच्चे पाकिस्तान हमने ये घर में घुस के ठोका हम आपने क्या किया आपने तो 71 गिना हम आतंकवादी आतंकवादी मरते हैं पाकिस्तान में आंसू यहाँ क्यों गिरते हैं एक बार ये देश पूछना चाह रहा है. शिक्षा में आपने क्या किया पाकिस्तान को आपको कलेजे में दर्द क्यों होता है मारा जाता है आतंकी आप क्यों मातम मनाते हैं ये देश पूछना चाहता है. ठीक है अगला सवाल बच्ची का जवाब देता हूँ ये कूदने लगते हैं. मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी से है. क्या मोदी जी ने देश को सबसे पहले यानी गरीबों के लिए क्या आधारभूत सुविधाएं नहीं दी. आप वो चीजें गिनवाइए हमें कि जो आधारभूत सुविधाओं में नहीं आती. आप बताइए कौन सी सुविधाएं नहीं दी हैं देश देश को मोदी जी ने. एक एक पे आता हूँ. मोदी जी सिर्फ नामकरण के काम करते हैं. कामकरण का मोदी जी के पास कोई काम नहीं है. वो स्कीम अनाउंस करेंगे उज्ज्वला मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन एक भी स्कीम में 10% अचीव हुआ. अगर 10% अचीव हुआ तो मुझे आज बताओ इनकी सरकार स्कैम वाली थी. हम स्कीम वाले ये स्कैम वाले इन्होंने जब सरकार में रहे तो सिर्फ इन्होंने स्कैम किया है और मोदी जी स्कीम लेकर आए हैं. मैं मानता हूं कि इस देश में मोदी जी ने काम किया आपको दिखता नहीं है. आपका काम है सिर्फ मोदी की निंदा मोदी को गाली देना. आप मोदी को गाली देते रहोगे देश की जनता मोदी जी से प्यार करती रहेगी. आप जितना मोदी को गाली दोगे देश की जनता उतनी मोदी जी से प्यार करेगी. आज देश के लोग मोदी जी से इसलिए प्यार कर रहे हैं जो मोदी जी से आप जितना गाली दोगे. सर मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी स्टूडेंट है. यस फर्स्ट टाइम वोटर है. यस सर यस मैम. मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि वो आप कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का जो एजेंडा है वो न्याय का है. तो जब आपकी ही पार्टी की एक जो मेंबर है प्रियंका चतुर्वेदी मैम जब उनके साथ बदतमीजी हुई तो उनको न्याय क्यों नहीं दिला पाई कांग्रेस सरकार. मैं इसका भी जवाब दूंगा. बहन शत्रुघ्न सिन्हा को ये नहीं दिला. देखिए राजनीति में सुनिए आप भाई सुन लीजिए ऐसे तू मैं नहीं कर प्रियंका चतुर्वेदी का आपका सवाल सुना. मुझे आप बताइए एक चीज बताइए. हम न्याय की बात करते हैं उससे रोजगार भी उत्पन्न होता है क्योंकि जब इकोनॉमी रिवॉल्व होती है तो उससे रोजगार उत्पन्न होगा. शत्रुघ्न सिन्हा अगर छोड़ दे तो वो क्या अन्याय है. उदित राज छोड़ दे तो वो क्या अन्याय है. देखिए ये राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं. दिला दिया क्या जी किसको. शिवसेना की प्रवक्ता बनाकर रोजगार दिला मैं दिया तो क्या? मैं तो मैं वो तो न्याय की बात सुना रहा था कि 72,000 से रूरल इकोनॉमी किस तरह रोटेट करेगी. जल्दी छोटा सवाल पूछिएगा जल्दी. सर गौरव वल्लभ जी आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा किंतु आज काशी में उनके सामने लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं. वहीं आपके अमेठी में देखिए राहुल गांधी जी को छोड़ के जाना पड़ता है वायनाड और उस पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है जिसने केरल में बकायदा गौ मांस को स्मृति ईरानी टक्कर देने तो गई. यहाँ पर प्रियंका जी बोलती रही राहुल जी माने नहीं. मैं पूछ रहा हूँ वो वायनाड में मोटा भाई क्यों नहीं गए वायनाड में. वहाँ पे रायबरेली में अमित शाह साहब ने नॉमिनेशन क्यों नहीं किया. मैं भी पूछता हूँ जवाब दीजिए. फिर आप बोल रहे हैं खतरे में. मैंने नहीं कहा. सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आके कहते हैं लोकतंत्र खतरे में. सीबीआई का तख्ता पलट हो जाता रात को 2 बजे. दिल्ली पुलिस आके क्यों नहीं टक्कर देने दिया. वो लड़ना चाहती थी. अरे मैम तोप की जरूरत ही नहीं गोली से ही वहाँ अजय राय की गोली से मोदी जी हार जाएंगे. तोप की जरूरत नहीं है.
पूरी तरह से हार रहे हैं। प्रियंका जी खुद बार बार बोल रहे हैं मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। चले आखिरी सवाल प्रियंका जी, गौरव वल्लभ जी मैं आपको ये बता दूं कि आप बताइए नहीं, सवाल मेरा बताना ये है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे भी बड़े होने में टाइम लगता है। तो जैसे आप बता रहे कि मोदी जी ये स्कीम निकाले वो स्कीम निकाले वो पूरे, तो इन पांच सालों में बीजेपी की प्रवक्ता बन गए हैं। कोई बात नहीं, टाइम लगता है वो चीज स्कीम को पूरा करने में। ये राहुल जी की सरकार नहीं है, किसी को कोई बोलने नहीं दे रहा, उनकी तरफ से बोल रहा। जल्दी से आखिरी सवाल, जल्दी जल्दी करके दिखा दिया। जैसे मोदी जी डिजिटल इंडिया कैंपेन लाए थे, आप उससे ऊपर कुछ लाने की सोच रहे हैं इंडिया के लिए? चले मुझे लगता है शाहनवाज जी को एंड में कंक्लूजन में कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया आपने उनको। देखिए देश का मूड कल आप देख कर आई हैं जिना जी, उस बनारस में आप भी थी, मैं भी था। मैं आज कह रहा हूँ, आज आपने जनता का मूड देखा, पूरी जनता आपके स्टूडियो की जनता से लेकर देश के गाँव की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री में बैठना तय है, आपको बुलाऊंगा। आप देख रहे थे टक्कर शाहनवाज हुसैन और गौरव वल्लभ जी के बीच में, दोनों में जबरदस्त टक्कर, जनता के भी सवाल, सवालों की बौछार। लेकिन इस बीच आपको बता दे, ऐसे ही सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हाँ, इंटरव्यू गंगा किनारे वाला जरूर देखिएगा, ठीक रात 8 बजे आज तक पर। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।